चलो फ्रेंड्स मेरा नाम पुष्कर ये है सैमसंगस ट्वेंटी वन एफ ई स्नपैड्रैगन ट्रिपल एट वाला वेरिएंट और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले इसका जीरो टू हंड्रेड परसेंट बैटरी चार्जिंग टेस्ट एंड हंड्रेड टू टेन परसेंट बैटरी ड्रेन टेस्ट इस फोन में फोर्टी फाइव हंड्रेड एम एच का बैटरी है एंड सैमसंग के ट्वेंटी फाइव वॉट के सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है बॉक्स में आपको सिर्फ टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल मिलता है एंड सैसंग का ट्वेंटी फाइव वॉट का सुपरफास्ट चार्जर या अडप्टर आपको सेपरेटली परेज करना पड़ता है जिसका प्राइस 900 हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड के अराउंड एमेजन पे वेरी करता है ओरिजिनल चार्जर का लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बिकॉज आप में से परसेंट लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं बिल्कुल फ्री है, आप कर सकते हैं सो स्टार्ट हम चार्जिंग टेस्ट से करते हैं तो सैमसंग का जो ट्वेंटी फाइव का चार्जर

पावर ऑन होने के बाद स्क्रीन पे सुपर फास्ट चार्जिंग एंड वन आवर सिक्सटीन मिनट का एक्सपेक्टेड टाइम यहाँ पे शो कर रहा है बैटरी चार्जिंग टेस्ट को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दें कि इस पूरे चार्जिंग टेस्ट के दौरान जो है ना डिस्प्ले ब्राइटनेस बिल्कुल फुल पे रखने वाले हैं एंड यहाँ पे ब्राइटनेस जो है वो ऑफ रहेगा एंड मेरा फोन इंटरनेट के लिए मोबाइल डेटा से ही कनेक्टेड रहेगा इसके अलावा जो मीडिया वॉल्यूम है वो बिल्कुल हंड्रेड पे रहने वाला है नेक्स्ट यहाँ पे हम सेटिंग में जाते हैं बैटरी एंड डिवाइस केयर सेटिंग में जाते हैं बैटरी सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोर परसेंट अवेलेबल शो कर रहा है सुपर फास्ट चार्जर कनेक्टेड शो कर रहा है एंड वन आवर का फिफ्टीन मिनट का टाइम शो कर रहा है एक्सपेक्टेड एंड यहाँ पे बैटरी सेटिंग में अगर हम स्वाइप अप करते हैं मोर बैटरी सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन शो करता है शो चार्जिंग इन्फॉर्मेशन का जब आपके फोन का स्क्रीन ऑफ रहता है तो इस तरीके से स्क्रीन ऑफ कंडीशन में भी जो है ना आपको चार्जिंग परसेंटेज एंड एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ चार्जिंग जो है वो शो करते रहता है तो अगर आपको इसको डिसेबल करना है तो आप बैटरी सेटिंग में ही मोर बैटरी सेटिंग में सो चार्जिंग इन्फॉर्मेशन को डिसेबल कर सकते हैं अब हम फोन के स्क्रीन को ऑफ कर देते हैं नेक्स्ट थर्टी मिनट के बाद चेक कर लेंगे कि फोन का बैटरी कितना सिक्स परसेंट चार्ज, चार्ज हुआ है तो यहां पे S21 FE के चार्जिंग का 30 का इनिशियल मिनट टाइम पूरा हो चुका है एंड मेरा फोन जो है ना वो फिफ्टी से ज्यादा चार्ज हो गया है फोन का इन हैंड फील बहुत ही माइनर सा हमको ये फोन वार्म फील हो रहा है इमरजेंसी में आपके फोन का बैटरी कंप्लीटली ड्रेन आउट हो जाता है तो फिर आप इनिशियल 30 मिनट चार्ज करके एटलीस्ट अपने फ़ोन को फिफ्टी परसेंट चार्ज कर सकते हैं अब जब फास्ट चार्जिंग होता है तो हीटिंग वाला इशूज़ भी देखने के लिए मिल सकता है तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि मेरे रूम का जो टेम्परेचर है ना वो ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस के अराउंड है एंड जो फ़ोन के डिस्प्ले का टेम्परेचर है वो 33.3 डिग्री सेल्सियस के अराउंड यहाँ पे शो कर रहा है तो फ़ोन में अभी तक तो कोई मेजर यहाँ पे हीटिंग देखने के लिए नहीं मिला है चार्जिंग के दौरान एंड वापस से फोन के स्क्रीन को ऑफ कर देते हैं एंड नेक्स्ट जब वन आवर का चार्जिंग टाइम पूरा हो जाता है तब हम लोग देख लेंगे चार्जिंग परसेंटेज तो यहाँ पे एस ट्वेंटी वन एफ की चार्जिंग का एक घंटे का टाइम पूरा हो चुका है एंड एक घंटे में आप देख सकते हैं कि मेरा फोन जो है ना वो नाइन्टी से ज़्यादा चार्ज हो गया है एंड फ़ोन इन हैंड ज़रा सा भी वार्म फील नहीं हो रहा है फिर भी हम इसका टेम्परेचर जो है ना एक बार क्विकली मेजर कर लेते हैं डिस्प्ले के टॉप पे जो टेम्परेचर है वो थर्टी डिग्री सेल्सियस के अराउंड है मतलब कि पहले के कंपैरिजन में यहाँ पे टेम्प्रेचर जो है वो डाउन हुआ है बैक साइड में भी 31 डिग्री सेल्सियस के अराउंड का ही टेम्परेचर शो कर रहा है अगर हम बैटरी का टेमप्रेचर मेजर करें तो वो भी 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ही है मतलब कोई भी हीटिंग इश्यूज देखने के लिए नहीं मिलता है एंड इनिशियल वन आवर चार्ज करके आप अपने फ़ोन को जीरो टू नाइन्टी परसेंट तक इजीली चार्ज कर सकते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में हम आपको एक चीज दिखाना मिस कर दिए थे यहाँ पे हम आपको डिस्प्ले सेटिंग में दिखा देते हैं कि मेरा फोन इस कंप्लीट बैटरी चार्जिंग एंड ड्रेन टेस्ट के दौरान हाई 120 ट्वेंटी हर्ट रिफ्रेश रेट पे ही सेट रहने वाला है अब वापस से हम लोग चलते हैं यहाँ पे डिवाइस केयर सेटिंग में एंड यहाँ पे बैटरी सेटिंग में एंड आप देख सकते हैं नेक्स्ट सेवेंटीन मिनट का एक्सपेक्टेड टाइम शो कर रहा है तो स्क्रीन हम ऑफ करते हैं एंड जब फुल चार्ज हो जाएगा जो फाइनल चार्जिंग टाइम होगा वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे सो so यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा S21 FE है वो 100% चार्ज हो गया है इस तरीके से यहाँ पे चार्जिंग ऑफ स्क्रीन पे शो कर रहा है एंड यहाँ पे टाइमर हम स्टॉप कर देते हैं लगभग एक घंटा चौदह मिनट का समय लगा एंड मेरा एस ट्वेंटी वन एफ ई जो है ना वो फुल चार्ज हो चुका है जीरो टू हंड्रेड परसेंट चार्जर अभी भी कनेक्टेड है हंड्रेड परसेंट अवेलेबल शो कर रहा था अब यहाँ पे फुल्ली चार्ज शो कर रहा है तो अगर आप जीरो टू हंड्रेड परसेंट चार्ज करते हैं बीच बीच में अपने फोन को यूज भी करते हैं तो आपको एक घंटा पंद्रह मिनट के आसपास का समय लगेगा क्योंकि हम वीडियो बना रहे थे इसलिए हम बीच बीच में यूज कर रहे थे अगर आप बीच बीच में यूज नहीं करते हैं तो आपको एक घंटा पांच से दस मिनट के अराउंड का टाइम लग सकता है अपने एस ट्वेंटी वन एफ ई को जीरो टू हंड्रेड परसेंट चार्ज करने में एंड वाइल चार्जिंग यहाँ पे कोई भी हमको मेजर टेम्परेचर गेन जो है वो नहीं देखने के लिए मिला एंड अगर आप अपने सैमसंग एस ट्वेंटी वन एफ ई के बैटरी हेल्थ को प्रोटेक्टेड रख चाहते हैं लॉन्ग टर्म तक बैटरी हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको बैटरी सेटिंग में मोर बैटरी सेटिंग में ऑप्शन मिलता है प्रोटेक्ट बैटरी का अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं फिर आपका फोन मैक्सिमम 85 परसेंट तक ही चार्ज होगा बिकॉज फोन के बैटरी को ना ही जीरो परसेंट तक ड्रेन करना और ना ही हंड्रेड परसेंट तक चार्ज करना सेफ माना जाता है अगर आपको चार्ज करना है तो आप एटी फाइव नाइनटी परसेंट तक चार्ज करें अगर आपको ड्रेन करना है तो फिफ्टीन या मैक्सिमम टेन तक ड्रेन करने के बाद वापस से अपने फोन को चार्ज में जरूर लगा दें अब नेक्स्ट यहाँ पे एस ट्वेंटी पे बैटरी ड्रेन टेस्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिलहाल मेरे फोन का जो बैटरी है वो बिल्कुल हंड्रेड चार्ज है तो यहाँ पे

यहाँ पे आप देख सकते हैं 23.4 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है अगर हम यहाँ पे स्क्रीन टेम्परेचर मेजर करें तो वो 32 डिग्री सेल्सियस है एंड फोन जो है ना इन हैंड बिल्कुल भी वार्म फील नहीं हो रहा है बैक साइड में थर्टी थ्री पॉइंट वन डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्विकली बैटरी परसेंटेज जो है वो चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि वन आवर थर्टी मिनट के वीडियो प्ले करने पे यूट्यूब पे फुल एच डी टेन एटी रेजोल्यूशन पे फुल वॉल्यूम पे फुल ब्राइटनेस पे ट्वेंटी बैटरी जो है वो ड्रॉप हो गया है अब नेक्स्ट यहाँ से बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में एक क्लासिक मैच एंड कॉल ऑफ ड्यूटी में एक बैटल रॉयल मैच हम प्ले करने वाले हैं जो सेटिंग रहेगा वो हम आपको वीडियो में आगे दिखा देंगे तो हम यहाँ पे ग्राउंड मोबाइल इंडिया लॉन्च कर लेते हैं तो यहाँ पे बीजीएमआई में क्लासिक मैच जो हम स्टार्ट कर लिए हैं सेटिंग में जाते हैं ग्राफिक सेटिंग में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एच डी आर एंड एक्सट्रीम का जो इसमें मैक्सिमम सेटिंग मिलता है उसी सेटिंग पे हम यहाँ पे नेक्स्ट एक क्लासिक मैच प्ले करने वाले हैं बट वाइल्ड गेमिंग जो है ना हम एक टी डब्लू एस ब्लूटूथ ईयरफोन जो है वो यूज करने वाले हैं सो तो यहाँ पे एक क्लासिक मैच जो बीजीएमआई का था एच डी आर एक्सट्रीम सेटिंग पे वो तो एंड हो गया एंड यहाँ पे जो बैटरी ड्रेन हुआ है आप देख सकते हैं इलेवन परसेंट के अराउंड यहाँ पे बैटरी जो है वो ड्रॉप कर गया है सिक्सटी फोर परसेंट बैटरी रिमेनिंग है अब नेक्स्ट यहाँ पे हम कॉल ड्यूटी मोबाइल जो है वो ओपन कर लेते हैं फोन जो है ना वो इन हैंड हल्का हल्का वार्म फील हो रहा है एंड यहाँ पे अगर हम फोन के टेम्परेचर को मेजर करें तो स्क्रीन का जो टेम्परेचर है वो थर्टी नाइन पॉइंट नाइन डिग्री सेल्सियस मतलब कि फोर्टी डिग्री सेल्सियस चला गया है फोन के बैक का जो टेम्परेचर है वो आप देख सकते हैं फोर्टी डिग्री सेल्सियस के अराउंड चला गया है अभी विंटर सीजन में अगर इतना वार्म हो रहा है मतलब कि समर सीजन में अगर आप कंटिन्यू गेमिंग करते हैं तो फोन अच्छा खासा हीट कर जाएगा मतलब इतना हीट तो कर जाएगा कि आप इसमें कंटिन्यू गेमिंग नहीं कर पाएंगे एंड ये जो टेम्परेचर गेन हुआ है ना इसके कारण फोन का जो मेटल फ्रेम है ये ठीक ठाक वार्म फील हो रहा है एंड बीजीएमआई का जो हम एक क्लासिक मैच एच डी आर एक्सट्रीम सेटिंग पे प्ले किए वहां पे हमको कोई भी मेजर फ्रेम ड्रॉप नोटिस नहीं हुआ कुछ माइनर फ्रेम ड्रॉप हुआ भी होगा तो वो हमको नोटिस नहीं हुआ अब यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में अगर हम सेटिंग में जाते हैं ऑडियो एंड ग्राफिक सेटिंग में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लो पे अल्ट्रा सेटिंग तक का आपको ऑप्शन मिल जाता है बट वेरी हाई और मैक्स सेटिंग का जो ऑप्शन मिलता है इसी सेटिंग पे ये एक मैच जो है वो हम प्ले करने वाले हैं एंड कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेमिंग करते समय मीडिया आउटपुट के लिए यहाँ पे हम स्पीकर का ही यूज करेंगे बिकॉज बीजीएमआई में जो फुट डिटेक्शन होता है ना वो बिना ईयरफोन के उतना अच्छा नहीं मिल पाता है तो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया एंड कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल दोनों ही गेम्स का एक एक गेम जो है वो हम प्ले कर लिए हैं एंड अब अगर हम यहाँ पे बैटरी जो रिमेनिंग है वो चेक करें तो आप देख सकते हैं फिफ्टी फोर परसेंट बैटरी रिमेनिंग है एंड टोटल बैटरी ड्रेन टाइम का टू आवर्स एटीन मिनट का टाइम कम्प्लीट हो चुका है एंड यहाँ पर अगर हम अपने फ़ोन के डिस्प्ले का स्क्रीन टेम्परेचर मेजर करें तो वही फोर्टी डिग्री सेल्सियस के अराउंड है फोन के बैक पैनल का टेम्परेचर मेजर करें तो वही 40 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है तो BGMI गेम प्ले करते समय टेम्परेचर फोन अच्छा खासा गेन किया था बट कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम प्ले करते समय टेम्परेचर गेन नहीं हुआ टेम्परेचर मेंटेन था अब नेक्स्ट जो है ना एक लाइट राउंड हम यहाँ पे प्ले कर लेते हैं जिसमें कि हम लोग इंस्टाग्राम पे रील्स प्ले करेंगे नेक्स्ट एक घंटे तक एंड जब हम इंस्टाग्राम पे रील्स प्ले कर रहे हैं उस समय पे भी मीडिया वॉल्यूम के लिए हम स्पीकर का ही यूज कर रहे हैं एंड वॉल्यूम लेवल ऑब्वियसली फुल पे है एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं और चाहें तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आपको आई स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो यहाँ पे सैमसंग S21 FE का टोटल थ्री आवर का बैटरी ड्रेन टेस्ट कंप्लीट हो गया एंड लास्ट फोर्टी मिनट्स से हम इंस्टाग्राम पे रील्स प्ले कर रहे हैं अभी जो रिमेनिंग बैटरी परसेंटेज है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे थर्टी नाइन परसेंट बैटरी रिमेनिंग है अब नेक्स्ट यहाँ से हम कुछ देर तक कैमरा ऐप यूज करने वाले हैं जिसमें हम वीडियो मोड में फोर के थर्टी पे वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए हैं ओके okay, तो यहाँ पे लास्ट फिफ्टीन मिनट से जो है ना फोर के थर्टी एफ में इसके रियर कैमरा से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना ही ब्राइटनेस ड्रॉप हुआ है ना ही कोई ओवर का वार्निंग यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला है तो यहाँ पे हम वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं होम स्क्रीन पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिमेनिंग बैटरी परसेंटेज है वो थर्टी टू है एंड जब आप कैमरा यूज करते हैं ना तो फोन टेम्परेचर थोड़ा गेन करता है तो यहाँ पर क्विकली हम लोग जो है एक बार टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं थर्टी डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है जो कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वार्म नहीं है एंड फोन इन हैंड भी जो है ना बहुत ज्यादा वार्म फील नहीं हो रहा है अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है ना हम प्राइम वीडियो ऐप ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे हम प्राइम वीडियो पे जो है ना कुछ कंटेंट अब प्ले करेंगे जब तक मेरे फोन का बैटरी जो है ना वो टेन परसेंट तक ड्रॉप ना हो जाए फिलहाल आप देख सकते हैं थर्टी टू परसेंट बैटरी यहाँ पे रिमेनिंग है एंड आप एस ट्वेंटी में जो है ना ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फुल एच डी टेन में कॉन्टेंट स्ट्रीम कर सकते हैं एंड कॉन्टेंट कंज्यूम करने के दौरान हम यहाँ पे जो है ना अपना ईयरफोन यूज करने वाले हैं सो so, यहाँ पे एमेजन प्राइम पे टेन एटीपी रेजोल्यूशन में एक वेब सीरीज हम या कॉन्टेंट कंज्यूम करते हमको लगभग घंटा 45 मिनट का समय हो चुका है एंड टोटल बैटरी ड्रेन का आप देख सकते हैं, कि देखते हैं तो वो 11 के एक बार चल जाते हैं अपने फोन के सेटिंग में सेटिंग में अगर हम यहाँ पे जाते हैं बैटरी एंड डिवाइस के एंड फिर जाते हैं यहाँ पे बैटरी सेटिंग में तो यहाँ पे सिंस लास्ट फुल चार्ज के ऊपर

यहाँ पे यूट्यूब पे हम फुल एच में एक वीडियो प्ले किए फिर इंस्टाग्राम अराउंड फोर्टी मिनट यूज किए बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ट्वेंटी मिनट कॉल ऑफ ड्यूटी ट्वेंटी मिनट एंड अबाउट 15 मिनट तक हम कैमरा ऐप यूज किए तो ये मेरा मेन यूसेज था लास्ट फाइव आवर का एंड हमको ठीक ठाक स्क्रीन ऑन टाइम मिल गया अभी भी टेन परसेंट के अराउंड यहाँ पे बैटरी जो है वो रिमेनिंग है मेरे एस ट्वेंटी वन एफ ई में अब यहाँ पे एक और दिन का बैटरी यूसेज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं फोर आवर सेवन मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिला फिफ्टीन परसेंट बैटरी रिमेनिंग है और ये उसी दिन का बैटरी यूसेज है जिस दिन हम अपने एस ट्वेंटी वन एफ ई के कैमरा को टेस्ट कर रहे थे लगभग एक घंटे तक हम इसके कैमरा ऐप को यूज किए थे मैसेज उसी के थ्रू बैटरी ड्रेन हुआ था इसके अलावा यूट्यूब ऐप भी एक घंटे के आसपास यूज किए कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में ट्वेंटी मिनट गेम प्ले किए किएट स्टूडियो और वन यूआई में एक्सप्लोर

अगर आप कैजुअली गेमिंग करते हैं शॉर्ट सेशन ऑफ गेमिंग में आपको काफी स्मूथ एक्सपीरियंस इस फोन पे मिल जाएगा बट एक चीज जो हमको नोटिस हुआ इस फोन को पिछले तीन चार दिनों से यूज करते हुए कैमरा यूज करते हुए एंड गेमिंग करते हुए फोन में बैटरी जो है वो काफी ड्रॉप होता है इसके अलावा विंटर सीजन चल रहा है फिर भी फोन टेम्परेचर गेन करता है तो समर सीजन में अगर आप लॉन्ग सेशन तक कैमरा एप यूज करते हैं या फिर लॉन्ग सेशन ऑफ गेमिंग करते हैं तो फिर आपका एस ट्वेंटी थोड़ा ज्यादा वॉर्म भी हो सकता है है एंड थोड़ा बैटरी ड्रेन भी आपको ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है बट इसके अलावा अगर आप अपने फोन को डे टू डे में यूज करते हैं जैसे मेल करना है सोशल मीडिया कंटेंट कंज्यूम करना है YouTube पे वीडियोस देखना है तो उस कंडीशन में कोई मैसिव बैटरी ड्रेन हमको पे देखने के लिए नहीं मिला अब जिस कंडीशन में बैटरी ड्रेन टेस्ट हम आपके साथ शेयर किए आप देखे कि हम इस फोन को फुल ब्राइटनेस पे बैटरी ड्रेन टेस्ट किए इसके अलावा जब भी हम ईयरफोन का यूज नहीं कर रहे थे तो स्पीकर या मीडिया वॉल्यूम जो था वो हंड्रेड पे रखे थे तो तो अगर आप अपने फोन को यूज करते समय मैक्सिमम टाइम ईयरफोन्स का यूज करते हैं तो वहां पे भी जो है ना बैटरी कंजम्पशन थोड़ा कम होगा इसके अलावा इस फोन का जो ब्राइटनेस लेवल है वो काफी अच्छा है तो अगर आप इंडोर यूज कर रहे हैं आपके घर में या इंडोर कंडीशन में चाहे जितना भी लाइट जल रहा हो आपको कभी भी फोन को हंड्रेड पे यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और हम भी जो है ना सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए ही हंड्रेड ब्राइटनेस पे इसको यूज किए अदरवाइज फिफ्टी या फिफ्टी से कम ब्राइटनेस पे भी फोन इंडोर कंडीशन में बहुत ही अच्छे से विजिबल रहता है बहुत ही अच्छे से आप यूज कर सकते हैं कॉन्टेंट कंजन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगा फिफ्टी परसेंट ब्राइटनेस पे एंड अगर आप फिफ्टी परसेंट ब्राइटनेस रखते हैं नॉर्मल यूसेज में आपको फाइव आवर्स से बेटर स्क्रीन ऑन टाइम मिल सकता है इसके अलावा अगर आप डार्क मोड का यूज करते हैं तो एमोलेट डिस्प्ले है तो वहां से भी आपको जो है ना बैटरी लाइफ में इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है जो ओवरऑल स्क्रीन ऑन टाइम है वो बेटर मिल सकता है बाकी जो हम आपके साथ बैटरी ड्रेन टेस्ट शेयर किए उसमें भी आप देखेंगे फाइव आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम हमको ठीक से मिल गया कुछ कुछ जगहों पे हम ईयरफोन्स का यूज किए थे तो हम को तो बैटरी बैकअप फिलहाल ओके लगा है 4500 फाइव हंड्रेड बैटरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जा तो तो निकल जाएगा एंड अगर आप एक मॉडरेट टू हैवी यूजर है तो डेफिनेटली आपको अपने एस ट्वेंटी को शाम होते होते या रात होते होते फोन को चार्ज में लगाना पड़ जाएगा अगर आप अपने एस ट्वेंटी को ओवर चार्ज करते हैं चाहे वायरलेस चार्जर के थ्रू या फिर वायर्ड

वीडियो तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा बिकॉज ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है मिलते नेक्स्ट वीडियो में बाय जय हिंद